गाइस वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सब बढ़िया होंगे, मैं भी बढ़िया हूं। और अभी टाइम हुआ है लगभग 3:35 और आज थोड़ा व्लॉग लेट शुरू हो रहा है क्योंकि संडे के टाइम हम जो व्लॉग है वो अक्सर लेट शुरू करते हैं। और आज का जो व्लॉग है थोड़ा स्पेशल इसलिए होगा क्योंकि आज मैं करने लगा हूँ अपना जो मंदिर है उसको फूलों से मतलब डेकोरेट करने लगा हूँ, फूलों से उसकी सजावट करने वाला हूँ। क्योंकि आप सबको पता है अब नवरात्रे आ रहे हैं, कल से 26 है, 26 को हमारा जो फर्स्ट नवरात्रा है और आज 25 है। और जो भी काम अभी मैं सोच रहा हूँ कि मंदिर जो है उसकी सफाई करनी है, साफ़ करके थोड़ी सी, आपको पता है कि धूल वगैरह तो होती है, तो साफ़ करके उसको अच्छे से, फिर उसके बाद मैं क्या करूँगा कि जो मैंने ना थोड़े से फूल मंगवाए हुए हैं और मंदिर को डेकोरेट करने के लिए, और वो पहुँचेंगे कम से कम 5-5:30 बजे तक। और तब तक मैं अपना सारा काम कर लेता हूँ। और मैंने सोचा चलो आज जो मंदिर साफ़ करते हैं अच्छे से, उसको फूलों से सजाते हैं क्योंकि नवरात्र आ रहे हैं, तो नवरात्र उत्सव में जो माता रानी का मंदिर है वो अच्छा दिखना चाहिए, बिल्कुल खूबसूरत। तो अभी मैं जा रहा हूँ, बस मंदिर ही साफ़ करना है। और मंदिर साफ़ करने के बाद जब मेरे फूल आ जाएंगे उसके बाद हम जो है फूलों से आगे का काम जो करेंगे, हार वगैरह बनाएंगे और फिर अच्छे से जो मंदिर है उसको डेकोरेट करेंगे। तो तब तक मैं आपको ले चलता हूँ नीचे और मंदिर जो है उसको साफ़ करते हैं, ठीक है? आपको दिखाता हूँ। अभी मैं ये जो लगा हुआ पोस्टर इसको पूरा उतारना पड़ेगा क्योंकि पीछे से थोड़ा गंदा हो गया। और ये अभी मंदिर में मैं सारी जो मूर्तियाँ ना अभी थोड़ी सी साइड करूँगा और पीछे थोड़ा काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गया, इसको अभी मैं साफ़ करूँगा पूरा अच्छे तरीके से। और फिर उसके बाद यहाँ पर कील वगैरह लगाने हैं इस तरफ, और यहाँ से जो है पूरी की पूरी डेकोरेशन नीचे तक होगी। और चलो करता हूँ अभी तक साफ़ पूरा, और फिर साफ़ करने के बाद बाकी का डिसाइड करते हैं फिर क्या करना आगे। तो गाइस फाइनली अभी मैं फिर लेकर ये गगन भैया की दुकान में आ गया और टेम्पो वाले ने काफ़ी ज़्यादा लेट कर दिए, तो गगन भी ऐसे ही मिल लो आप। हेलो गाइस, बाकी जो आप देख सकते हो कि अभी इसके बाद जो घर जाएंगे उसके बाद सजावट शुरू होगी, फिर आपको दिखाएंगे क्योंकि हमारे आधे आधे घंटे से ज़्यादा वेस्ट हो गया, टेम्पो वाला लेट हो गया, मुझे ऐसा रोड ख़राब है ना, बारिश भी हो गई। चलो देखते हैं क्या होता है, अभी चलते हैं घर तो फिर शुरू करते हैं आगे का काम सारा, ठीक है? ये रहे फूल, और फूल तो हम ले आए हैं, एक ये बड़े वाले हैं, ये वाले तो ये थोड़े छोटे मंगवाए थे मैंने, और ये भी बड़ा साइज़ है फूलों का, और बाकी ये येलो कलर के मैंने मंगवाए थे कुछ बीच में सेंटर में लगाने के लिए। और मंदिर मैंने जो था वो पूरा साफ़ कर लिया, अभी देखो आप, अभी इसके बाहर से भी एक माला लगाऊंगा और एक लाइट वाली जो लड़ी आएगी और ऊपर से यहाँ से पूरी नीचे तक आएगी। और ये देखो मंदिर, अभी मैंने कुछ भी नहीं किया, मंदिर सजावट वगैरह कुछ नहीं की, तो अभी इस तरह का है कुछ, और इसके बाद जब फूल वगैरह सब लग जाएंगे उसके बाद कुछ अलग दिखेगा आपको मंदिर जो है। तो चलो अभी शुरू करने वाले हैं हम इनके जो हार वगैरह बनाने, तो अभी हार वगैरह का हम शुरू करते हैं। ये जो है हमारे पास आएगा ऊपर जो है ना, तो इस तरह से हमारा जो है ये लग के यहाँ पर तैयार हो गया है। अब इसको हटाते हैं यहाँ से पीछे, दो जो हमारे पास आर्टिफिशियल थे ये हमने लगा लिए यहाँ पर, और एक ये वाला हमारा एक हार जो है वो बन के तैयार हो गया है, देख सो कितना, मतलब जिस हिसाब से हमारी ये है इस हिसाब से हमने ये हार बनाया एक पहला, और बाकी भी हम साथ साथ बना रहे हैं, एक ही बार बनाते हैं उसके बाद फिर हम ये लगाते हैं सारे के सारे, एक और बनाते हैं, पहले दूसरे वाला लगा लेते हैं आर्टिफिशियल ना।
ये मैंने जो अपने बनाए ना फूल, ये देखो ऊपर से एक मैंने लगा दिया और ये सारी तो गाइस फाइनली अभी मैंने ये तीन जो माला इस तरफ बनाई है और तीन इस तरफ और कुछ इस तरह की दिख रही है अभी जो मैंने अभी हार वगैरह बनाए हैं। तो अभी सेंटर में एक उस तरफ जो है ना सेंटर में एक और लगानी है मुझे और एक ऊपर से लगानी है क्योंकि ऊपर से थोड़ा खाली दिख रहा है, अच्छा लग रहा है। तो एक मैं लगा लूँगा यहाँ से ऊपर से लगा दूँगा। तो अभी दो और बनाने हैं, उसके बाद ये कम्प्लीट करने के बाद फिर देखते हैं जो ये वाला फ़ोटो है माता रानी का, इसके इस तरफ से पूरा का पूरा एक तरफ से माला लगा देंगे। तो अभी इतना देखो आप कितना सुंदर लग रहा है अभी यहाँ से। तो अभी आगे और माला बनाता हूँ मैं। सो गाइस फाइनली 1 2 3 4 5 6 7 8 ये वाला हमारा जो था फ्रेम पूरा बन के तैयार हो चुका है एकदम रेडी। और इसके आगे जो हम है ना ऊपर से ये वाला लगाएंगे यहाँ से ऊपर तक पूरा, क्योंकि ऊपर से ये थोड़ा अच्छा नहीं दिख रहा है, गंदा दिख रहा है, इसलिए तो इसे लगा देंगे पूरी भरी माला बनाकर। तो इससे बहुत अच्छा दिखेगा ये। और उसके बाद हम यहाँ पर लगाएंगे एक माला और। तो चलो बनाते हैं आगे वाली माला। गाइस जो सजावट है लगभग पूरी हो चुकी है और अभी जो थोड़े से फूल रहते हैं इनकी जो छोटी छोटी माला बनाऊंगा और जो मूर्तियां हैं उनके गले में डाल दूंगा। और ये देखो अभी ये जो बचा था मैंने टंडी माता का जो पोस्टर था पूरा माता जी का, तो इसके साइड से मैंने पूरा का पूरा जो फ्लावर्स लगा दिए हैं और इस तरह से कुछ दिख रहा है, मैं दूर से दिखाता हूँ आपको। और प्लीज़ कमेंट करके बताना कि जो मंदिर की सजावट है वो किस तरह हुई, मैं अच्छी हुई है या कैसी हुई है मुझे कमेंट करके बता देना। और फ्लावर कैसे लग रहे हैं ये बता देना क्योंकि काफ़ी दूर से मंगवाए हैं मैंने सारे, जम्मू से मंगवाए हैं टेम्पो वाले के हाथ, और सिर्फ माता रानी के मंदिर को सजाने के लिए। ये देखो आपको भी दिखाता हूँ पास से, देखो कमेंट के करके बता देना कि कैसा लग रहा है। और नवरात्रि कल शुरू हो रहे हैं, मैंने आज सजावट मंदिर की पूरी कर दी है और अभी जो मूर्तियों के लिए मैंने थोड़े से हार बनाने हैं बस वो बनाने रह गए। और देखो थोड़े से फूल बचे हुए हैं अभी, तो चलो अब वो भी बनाते हैं और काम करते हैं कंप्लीट। और जय माता दी सबको। और प्लीज़ चैनल में जो भी नया होगा, अभी तक जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर देना और लाइक। किन्ना सोना तेरा, किन्ना सोना तेरा भवन सजाया, किन्ना सोना तेरा भवन सजाया, जी करे वेखदारा विच जंगलां दे मंगल तू लाया, विच जंगलां दे मंगल तू लाया, जी करे देखदा रवां किन्ना सोना तेरा भवन सजाया, किन्ना सोना।
फाइनली जो मेरी मंदिर की सजावट है वो मैंने कंप्लीट कर ली है, और पीछे आपको दिख रहा होगा ये सारे का सारा जो मैंने अभी मतलब हार बनाकर एक एक कर में सारा कर लगाया बिल्कुल। और अभी टाइम लगभग 9:30 का टाइम हो गया, मतलब मुझे लगभग 2 घंटे लगे, 6 बजे के बाद मतलब 2.5 घंटे मुझे लगे यहाँ पर सिर्फ ये इतनी सी डेकोरेशन करने में। और डेकोरेशन अब अच्छी हुई है या नहीं हुई ये आप कमेंट में बता देना। और अभी खाने का टाइम हो गया और मुझे मामा बुला रहे खाना खाने के लिए, खाना निकाल कर रखा, तो खाना खा के उसके बाद फिर थोड़े से जो फूल बचे हैं ना उसके लिए मैं छोटे छोटे हार बनाऊँगा मूर्तियों के लिए, और जो पीछे माता रानी का जो फ्रेम है ना शेरावाली माता का उसके उनके शेरावाली माता के जो फ्रेम है वह लगाने के लिए। तो चलो खाना खा के मिलता हूँ आपसे। भाई जस्ट अभी मैं खाना फिनिश करने के बाद अपने रूम में आया हूँ, और रूम पे आने के बाद मैंने सोचा थोड़ी सी रेस्ट करते हैं, क्योंकि 2.5 घंटे एक जगह बैठकर मैं काम करता रहा जो फ्लावर्स की डेकोरेशन के लिए मैंने जो हार बनाए, तो काफ़ी ज़्यादा थक गया था। फिर मैंने सोचा चलो खाना खाना खा लेते रेस्ट करते हैं, और मैच भी देख रहा था अभी इंडिया ऑस्ट्रेलिया का मैच लगा हुआ है, तो फिर मैंने सोचा चलो रेस्ट करने के बाद फिर हम क्या करेंगे, ये जो थोड़े से फूल हमारे पास बचे हैं ना इसके लिए हम क्या करेंगे कि दो काम करेंगे, एक तो हम मूर्तियों के लिए छोटे छोटे हार बना लेंगे गले में डालने के लिए, और दूसरा हम क्या करेंगे कि जो अंदर दीवार है ना सोच रहा हूँ कि जो फूल हमारे पास एक और भी पड़े हुए नीचे उसका भी हम एक हार लंबा सा बना कर पीछे लगा देंगे, तो देखते हैं क्या करना है। तो आई होप जो आज का व्लॉग है आपको पसंद आएगा, और जो भी चैनल पर नया होगा प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना और बेल आइकन को ऑल पर रखना ताकि जो भी नई वीडियो आएगी आपकी उसको नोटिफिकेशन मिल जाएगी। और वैसे भी जो नवरात्रों की पूरी सीरीज़ है ये मैं आपके लिए लेकर आऊँगा, मैं कोशिश करूँगा हर एक नवरात्रा की जो वीडियो है वो आपको मिले यूट्यूब पर, और देखते हैं क्या होता है। और आज का जो वीडियो है वो आपको मिलेगा कल सुबह 8 बजे, तो जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लेना, और कमेंट में ज़रूर बता देना कि जो डेकोरेशन है मंदिर की वो कैसी हुई है, तो देखते हैं किसका कमेंट आता है पहले। और मिलते हैं आपको ऐसे ही एक नेक्स्ट ब्लॉग पर, तो बाय बाय, जय माता दी।